सभी डीजे वालों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, अगर आपका रोड शो होता है तो आप लेजर लगा सकते हो, अगर आपका कंपटीशन है तो प्लीज़ आप लेजर नहीं लगाइए, क्योंकि आपको तो लेजर चलाने में आपका सेटअप पे अच्छा खिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे जैसे जो यूट्यूबर है ना, मोबाइल को जान में हथेली रख के करना पड़ता है। और कंपटीशन एक ऐसा चीज़ होता है जो हर कोई मोबाइल से कैप्चर करना चाहता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट, कोई भी हो, छोटा से बड़ा कोई भी हो, अगर आप कंपटीशन कर रहे हो तो आप लेजर बिल्कुल भी सेटअप में नहीं लगाएं, बिल्कुल भी सेटअप में लेजर नहीं लगाएं, और शार्पी भी कोशिश करें नीचे होके नहीं लगाएं, थोड़ा सा हम लोग का जितना हाइट है ना उससे ज़्यादा ही हाइट लगाएं, क्योंकि धकेला धकेली होता है, उसमें भी कोई अंदर घुसने नहीं देता है। तो सेटअप में शार्पी भी ऊपर लगाएं, जितने भी लाइट होते हैं ऊपर लगाएं, और लेजर तो बिल्कुल भी नहीं लगाएं, बहुत तकलीफ होता है वीडियो बनाने में। यह चीज़ बंगाल में भी फेस किए और कल भी देखे, पहले से भी हमको पता है कि लेजर लगने के बाद बहुत दिक्कत होता है। जितने भी हमारे झारखंड से डीजे जाने वाले हैं, जो अभी अपकमिंग वाला कंपटीशन आने वाला, बड़ा कंपटीशन डाल्टनगंज, जो भी है, छोटा बड़ा जितना भी है, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग लेजर नहीं लगाइएगा, क्योंकि हम लोग को पता है आप सबके पास लेजर है, आप सब में क्वालिटी है, तो आप लोग प्लीज़ लेजर नहीं लगाए, नहीं तो हम लोग का जो इतना दूर जाके वीडियो बनाने का जो सपना देख रहे हैं ना, अपना चैनल थोड़ा सा ग्रो हो, खत्म। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ लेजर नहीं लगाइएगा। अगर मेरा बात हमारे जितने भी यूट्यूबर भाई है, जो भी है, छोटा बड़ा जो भी है, आप लोग को अगर एग्री होते हैं बात को, तो आप लोग इस बात को पूरा फैला दीजिए कि लेजर किसी का भी सेटअप में नहीं लगे, आप लोग सब कोई लेजर में माहिर है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेजर नहीं लगा, आप लोग सब इतना वीडियो बनाइए कि सबको एहसास हो जाएगा, या फिर सब कोई मान जाए कि लेजर नहीं लगाएंगे। कोशिश करेंगे हम भी, अपने खुद भी बोल देंगे कि आप लोग लेजर नहीं लगाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त रितेश, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली डिजम में। तो दोस्तों, आप लोग को आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मेरा हालत कितना ज़्यादा ख़राब हो गया। हाँ दोस्तों, सही है, इतना घूमेंगे तो ख़राब हो गई, रात भर सोने का ठिकाना नहीं, कब नींद आ रहा है, कब नींद नहीं आ रहा है, रात रात भर ट्रेवलिंग करो, थोड़ा बहुत नहीं, इस बार थोड़ा ज़्यादा ही झेलने वाला काम हो गया, क्योंकि पिछले बार वेस्ट बंगाल गए थे वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन, फिर धनबाद गए वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रगल होगा तो फिर तबीयत तो खराब होना लाजमी है, तो थोड़ा बहुत चलता है, ये सब होते रहेगा। तो चलिए आज हम आपसे बात करते हैं आपके साथ कि धनबाद में क्या हुआ, क्या नहीं, कैसे लगा, किसका रिस्पॉन्स कैसे था, कैसे नहीं, तो इस बारे में आज थोड़ा सा डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आप लोग को पहले ही हम बोल दिए थे कि वहाँ का वीडियो आपको प्रॉपर टाइप से देंगे, माने रिव्यू कि वहाँ पे कैसे रेस्पॉन्स दे रहा है सेटअप सबका, जो भी सेटअप लगा हुआ था। बोला जाए तो वहाँ पे तीन बड़े बड़े लेवल का सेटअप लगा हुआ था, जिसमें पंकज भैया का सेटअप लगा हुआ था, शशि भैया का सेटअप लगा हुआ था, फिर सार्जन भैया का सेटअप लगा हुआ था। तो तीनों के बारे आज बात करेंगे, और आपसे थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया ना, जिसके चलते शशि भैया का सेटअप का साउंड भी नहीं सुन पाए, और ना ही उनका कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाए, यानी कि उनके सेटअप के पास हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि उनका सेटअप कुछ कारणों से बस बहुत जल्द रोड शो उनका बंद कर दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, क्योंकि पता है आजकल का डीजे कितना ज्यादा हैवी है, और आप मार्केट गली सब में अगर बजाएंगे तो लाजिमी है दुकान का सामान गिरना, बहुत सारा ऐसा रहता है सामान, जो कॉस्मेटिक हुआ, मेडिकल हुआ, फिर आपका एसिड फेसिड सब भी टाउन इलाका में रहता है, वो सब अगर गिर जाता है तो कितना नुकसान होता है, और शायद कहीं ना कहीं गिरा होगा तभी सेटअप को बंद कराया गया है। और ये भी नहीं बोल सकते कि डीजे वाले आप इस बात को ध्यान में रख के बजाएं, क्योंकि ये सब तो हो गए, वो हर डीजे सेटअप के साथ ये प्रॉब्लम होता ही है, कंप्लेंट उनको जाता ही है, तो फिर आपको डीजे शशि का कुछ भी रिव्यू नहीं दे सकते कि उनका सेटअप कैसे बजा कैसा नहीं। हम सिर्फ दो डीजे का आपको रिव्यू देंगे, वो है सार्जन और पंकज का, इसीलिए आपको पहले ही बोल दिए कि इसमें शशि भैया का हम कुछ भी जिक्र नहीं करेंगे। आप लोग कमेंट में बता सकते हो अपना कि उनका सेटअप का क्वालिटी कैसे था, लेकिन हम फील ही नहीं किए तो फिर कैसे बताएंगे, तो वो चीज़ मेरे से नहीं होगा, तो उसके लिए फिर से एक बार सॉरी। तो चलिए आप बात करते हैं पंकज और सार्जन डीजे का। तो हम सबसे पहले विजिट किए, हमको वहाँ पे ना रूट का कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पे कैसे जाएंगे कैसे नहीं, बिल्कुल वहाँ के लिए नए थे, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने क्या बोलेंगे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सार्जन भैया के पास गए ना, नहीं होने से भी 2 किलोमीटर पैदल, वो भी दौड़ दौड़ के जैसे चल के गए, क्योंकि हमको इधर भी आना था पंकज भैया और शशि भैया के पास,
तो उनके सेटअप के पास जाने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा। मैंने दौड़ दौड़ के ही गए बोली, क्योंकि उधर रोड पूरा ब्लॉक हो गया था। तो वहां पे सेटअप के पास पहुंचे ना, एकदम दिमाग खत्म। इतना ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा, मैंने आप लोग सोच भी नहीं सकते हो इतना ज्यादा भीड़। एक इंच भी वीडियो बनाने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। सब नाच रहा है, किसका हाथ लग जा रहा है। रिक्स है भाई, गिर जाएगा ना आपका मोबाइल, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी तो टूटा फूटा मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो उतना आपको वहां पे नहीं दे पाए। थोड़ा बहुत जो भी हुआ वो आपको क्लिप पहले ही दे दिए, तो अभी वीडियो में तो वैसे आपको कुछ वीडियो देखने नहीं मिलेगा। और वहाँ पे बहुत सेफ्टी तरीके से वीडियो बनाना पड़ रहा था, क्योंकि तीन तीन लेजर लगा हुआ था, कोई एक ना एक लेजर आपको डिटेक्ट कर ही लेगा अगर आप सावधानी से वीडियो नहीं बनाए तो। लेजर का बहुत ज्यादा ही आजकल प्रॉब्लम हो रहा है, पहले से ही हो रहा है, लेकिन आजकल हर सेटअप पे लेजर लग रहा है। और आपका कैमरा गलती से अगर एक सेकंड के लिए भी लेजर पे पड़ गया ना, गेम फिनिश। तो वो सब देखते हुए अभी तक मेरा मोबाइल तो बचा हुआ है, देखते हैं कितना दिन तक बचा पाते हैं। तो ये रहा आपका सर्जन भाई का सेटअप, और सर्जन भाई का सेटअप क्वालिटी काफी अच्छा था, बेस भी काफी अच्छा था, बढ़िया था, मस्त था। और उनका हमको एक बात अच्छा लगा कि जो क्राउड है ना, उन सबको लेके सेटअप जा रहे थे। मैंने ऐसे भी नहीं है कि पूरा फाड़ के बजा दिया, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, नॉर्मली बजा उनका, जैसे आपका चंदन केयर में बजा, उससे इम्प्रूव था, बेस क्वालिटी उससे इम्प्रूव था, और क्लियरिटी भी अच्छा था। इस बार मिड का कमी लगा, लेकिन बेस अच्छा था, उस प्रकार से भी नहीं था लेकिन बेस अच्छा था। तो वहाँ पे सेटअप एंजॉय किए, नहीं होने से भी वहाँ पे हमको 1 से 1.5 घंटा लग गया, जो कि हमको उतना देर वहाँ पे नहीं रहना था मेरा टाइमिंग के हिसाब से। और भी 2 सेटअप था, हमको आइडिया नहीं था कि इतने दूर दूर पे सेटअप है। हमारे इधर के भाई लोग के लिए बता दे, एक सेटअप अगर सोनवा में है ना, तो और एक सेटअप सीकेपी में है, फिर और एक सेटअप चाईबासा में है, उससे भी थोड़ा सा डिस्टेंस था। और रोड अच्छा था, रोड का कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे था, बढ़िया था, उससे भी थोड़ा दूर था। और हम नए हैं, और हम आ रहे हैं आपका बोला जाए तो राउरकेला से, हम आ रहे हैं राउरकेला से सुनने के लिए गोयलकेरा, फिर गोयलकेरा से जाएंगे सोनवा, फिर सोनवा से जाएंगे आपका चाईबासा। तो मेरे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया ये चीज़, हमको इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल नहीं था। तो यही हुआ, फिर वहाँ पे सेटअप सुने, अच्छा सेटअप था, अच्छा लगा। बात करेंगे लाइटिंग का भी, अभी फिलहाल आपको साउंड का बता दे रहे हैं। फिर आपका पंकज जी के पास गए, उनका भी सेटअप में अच्छा खासा भीड़ तो नहीं था, जो बात क्लियर बात, सार्जन का जितना भीड़ था उसका 10% भी भीड़ नहीं था, क्योंकि वो टाउन इलाका था। और ये तो अपना अपडेट भी पहले नहीं दिए थे, जिसके चलते उतना भीड़ नहीं हुआ। और एक दिन पे आप कोई सीकेपी में रोड शो हो रहा, उसको आप अगर सोनवा से कंपेयर कीजिएगा तो वो नहीं होगा, वहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा भीड़ होगी। तो यही था, आप पंकज डीजे का भी साउंड क्वालिटी अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हमको फील नहीं हुआ, जैसे फील होना चाहिए ना बेस, बहुत चीज फील नहीं हुआ। हम ये जो कंपेयर कर रहे हैं, इसमें हमको कोई भी डीजे को नीचे गिराने का बिल्कुल इरादा नहीं है। अगर मेरा रिव्यू से कोई डीजे को उसका मार्केटिंग पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसे रिव्यू का क्या फायदा। मेरा रिव्यू का ये मतलब रहता है दोस्तों कि जितने भी डीजे वाले हैं, कोई भी हो, झारखंड के बाहर के कोई भी हो, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जितने भी हो, हम जितने भी डीजे का रिव्यू करते हैं, मेरा बस एक ही मकसद रहता है कि आप लोग तो इतना दूर उनका डीजे सुनने नहीं जा सकते हो। कहीं ना कहीं आजकल कंपटीशन जमाना हो गया कि यहाँ का डीजे वहाँ के साथ, तो आपको वहाँ का डीजे का क्वालिटी कैसा है ये तो आप वीडियो के माध्यम से ही जानोगे, लेकिन वीडियो देखोगे तो वो चीज़ तो फील नहीं कर पाओगे। जो आपको ऑनेस्टली बताएगा, ऐसे हमको लगता है बहुत कम लोग हैं जो आपको खुल के कि नहीं भाई आपका सेटअप उनसे ज़्यादा है कम है, ये तो आपको खुल के कोई नहीं बताएगा। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि हम आपको आपका कमजोरी बताए, तारीफें तो हर कोई करेगा, आपको चना का डाल में खूब चढ़ा देगा, लेकिन वो चीज़ हम कोशिश करते हैं ना कि आपका अगर कमी है तो वो चीज़ हम बताए आपको। अगर हम खाली तारीफ ही करते रहेंगे तो फिर तो हो गया, कहानी हो गया फिर वो। तो मेरा कोशिश रहता है कि आपका अगर कमी है, अगर आप सच्चे डीजे वाले हो, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आपको उस कमी को दूर करने में मजा आएगा। जब वो दूर होगा ना, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा मजा आएगा। और बहुत कोई होता है कि नहीं भाई फाड़ के बजा दिया, ऐसे बजा दिया, ऐसे होता है, नहीं बोल के नहीं, ऐसे होता है, लेकिन जब कमी है तो आपको वो बताना जरूरी है, क्योंकि आप एक यूट्यूबर हो, आपके भरोसे बहुत सारे भाई लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, कोई भी सभी यूट्यूबर हो, तो आप लोग को फर्ज रहता है कि आप लोग बताइए कि हाँ ऐसे ऐसे आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जितने भी डीजे वाले डीजे देखने जाते हैं, कहीं ना कहीं
10% लोगों का डीजे ऑलरेडी रहता है, फिर भी वो देखने जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो मेरा कोई किसी डीजे वाला को हेट करना, नीचे गिराना, ऐसे बिल्कुल भी मकसद नहीं है। आप लोग मेरा बात अगर आप लोग को अच्छा लगता है कि हाँ भाई सही बोल रहा है, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो कोशिश रहता है दोस्तों आपको आपका सेटअप में क्या कुछ कमी होगा वो चीज़ बताने का। जैसे अभी हम पंकज डीजे के बारे में बताना चाहेंगे कि उनका थोड़ा सा ना बेस इधर नहीं लग रहा था, मैंने फील नहीं हो रहा था, ठीक था लेकिन उस टाइप का फील नहीं हुआ जो कि पंकज भैया को पता है वो कर लेंगे। पिछले बार जैसे आपका चंदन क्यारी में रेस्पॉन्स बढ़िया था, सार्जेंट डीजे से उनका रेस्पॉन्स वहाँ पे बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको डाउन लगा। तो वैसे कुछ बात नहीं है कि वो हार गए, वैसे कुछ भी नहीं है। वो सॉन्ग पे भी मैटर करता है और रोड शो पे भी मैटर करता है। वहाँ पे पंकज डीजे का में क्या था, पूरा ओपनली था, तो उस चीज पे भी मैटर करता है। तो वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, उनका सेटअप काफी बढ़िया था। तो दोनों का सेटअप में इस बार साजन का क्वालिटी थोड़ा सा हमको इम्प्रूव लगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही, ठीक है लेकिन उतना भी ठीक नहीं है। उनको अभी अपना सेटअप पे, उनको खुद पता है कि मेरा सेटअप में कुछ कमी है, लेकिन हम भी बता दे रहे हैं कि आपका सेटअप में कुछ है, आपको थोड़ा सा देखना होगा, वो आप भी कर लीजिएगा, वो हमको यकीन है। क्योंकि आपका भी बड़ा बड़ा रोड शो है, अगर हम आपका खाली तारीफ करते रहेंगे, कुछ कमी नहीं बताएंगे, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि भाई और क्या करना है क्या नहीं। आपका सेटअप जबरदस्त बज रहा था, काफी अच्छा बज रहा था दोस्तों। जो होता है ना रोड शो, हमको बहुत अच्छा लगा कि इतना कोई कैसे मेंटली प्रेशर झेल के इतना अच्छा रोड शो कर सके। बहुत भयंकर भीड़ था, आपका दिमाग खराब हो जाएगा आपका सेटअप के साथ कुछ ना हो जाए, बहुत ज्यादा भीड़, इतना प्रेशर में इतना अच्छा रोड शो, इतना संख्या में, मजा आ गया। ये होता है हम लोग का झारखंड का पावर, काफी अच्छा लगा। हमारे झारखंड में इतने अच्छे अच्छे डीजे भी है। और दोस्तों बात करें लाइट का, तो सार्जन भैया का लाइट में तीन तीन लेजर लगा हुआ था। हाँ दोस्तों तीन तीन, और देख रहे हैं सब कैमरा लगा हुआ है, फिर बोलेंगे कि मेरा उड़ गया। भाई उड़ना ही है आपका, आप जैसे हरकत कर रहे हो उस पर आपका उड़ना ही है 100%। लेजर लगा हुआ है, आप मोबाइल चुपचाप पॉकेट में भर दीजिए, आपका कैमरा सुरक्षित है। अगर आप वहां पे सियानापंती करके हम वीडियो बनाएंगे, स्टेटस डालेंगे, खत्म। और खासकर लाइव वाले, लाइव पे तो फिर और ही ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो ज्यादा फोकस करता है आपका सेटअप पे। जिसको आप कोई क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को आप अगर कैच करना चाह रहे हैं ना, तो आपका तो गया। तो यही चीज है, थोड़ा बहुत शायद गलत बोल दिया होंगे, साइंस उतना कुछ हमको आता नहीं है। तो आप बात करें लाइटिंग का, तो लेजर अच्छा खासा लगा हुआ था, लेकिन सर्जन भैया का जो लाइटिंग का क्या बोलेंगे परफॉर्मेंस जैसे होना चाहिए ना, वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अप भी डाउन है, लगा हुआ था क्वांटिटी में सार्फी लगा हुआ था, लेकिन वही होता है ना, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, या कि आप बोल सकते हो क्वांटिटी पे क्वालिटी भारी पड़ गया, क्वालिटी पे क्वांटिटी भारी पड़ गया। तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा जो चलाने का क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रामिंग था, वो थोड़ा सा डाउन नजर आया। वो हो जाएगा, आप सब कुछ ही सही हो ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ ना कुछ डाउन रहेगा, तब ना सीखने में मजा आएगा। और बात करें पंकज डीजे का लाइट में, लाइट कम लगा हुआ था और अच्छा परफॉर्मेंस था, बढ़िया था। हमको खासकर लाइट में पंकज डीजे का बढ़िया लगा। और लेजर बोले तो लेजर हमको ठीक ठाक है, दोनों का ही बात कर रहे हैं, दोनों के लेजर में सर्जन भैया का लेजर बेस्ट था, क्योंकि तीन पीस लगा हुआ था और काफी अच्छा प्रिज्म भी बना रहा था, वो उनका लेजर बढ़िया है। और अगर मेरा दिमाग जाएगा अभी उड़ीसा डीजे, बंगाल डीजे, उनके लाइट के साथ कंपेयर, वैसे तो नहीं हो सकता। और वही चीज मेरा दिमाग में घूम रहा है कि मेरा दिमाग उधर ही जा रहा है कि उधर का लेजर के साथ कंपेयर हो रहा है, तो वह चीज़ गलत है। तो वही चीज़ है कि दोनों का लेजर में आपका सर्जन का लेजर बेटर था, और पूरे लाइटिंग, ओवरऑल लाइटिंग को देखा जाए तो उसमें पंकज का लाइटिंग अच्छा था। और साउंड का बात करें तो सर्जन भैया का साउंड क्वालिटी, रोड शो बढ़िया था, रोड शो तो दोनों का ही बढ़िया था, लेकिन साउंड क्वालिटी सर्जन भैया का अच्छा था, पंकज का भी अच्छा था, लेकिन उस लेवल का नहीं था। तो यही था आज का रिव्यू दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर एक, मैंने चैनल को नहीं, हमारे इस वीडियो पे जरूर एक कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर का छोड़ दीजिए, अच्छा लगेगा तो आप कर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।